Sorry, it's DJ. Hi guys, welcome back to my channel. So guys, I am Gauri and आप लोग देख रहे हैं गौरी व्लॉग्स. सो गाइज, मैं होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे एंड आपके घर वाले भी बहुत हेल्दी होंगे. सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये पैंडमिक चल रहा है, तो इसमें आप प्लीज़ वक्त वक्त पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए और घर से कम ही बाहर निकलिए. एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइए कि अपने हैंड सैनिटाइज करें एंड घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैल रहा है एंड कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है. तो गाइज, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अर्जुन भैया की बहुत सारी वीडियोस देखी एंड मैंने देखा कि उन्होंने खुशी दीदी को थप्पड़ मारा एंड अनुष्का दीदी ने भी अर्जुन भैया खुशी दीदी ने अर्जुन भैया को थप्पड़ मारा एंड अनुष्का दीदी ने उनका बदला लेने के लिए खुशी दीदी को फिर से थप्पड़ मार दिया. तो मुझे मतलब ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. तो आज मैं इसी के बारे में अर्जुन भैया को समझाने जाऊँगी. चलिए सुनते. गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंडो पर गेम्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसी कई सारी 70 से भी ज़्यादा एक्साइटिंग गेम्स. जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, UPI या बैंक में. गेमिंग ही नहीं, आप विंडो स्टोर पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि विंडो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर. और यहाँ बिग बाज़ार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाने जैसे कई सारे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी. और इतना ही नहीं, रोज़ विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोज़ाना. और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर आप लोग जीत सकते हैं बाइक, स्मार्टफोन और कैश रिपनी जैकपॉट अप टू 25 लाख. इतना कुछ है, अब मैं और कितना बताऊँ. तो जाइए विंडो ऐप डाउनलोड करिए और ख़ुद एक्सपीरियंस कर लीजिए. हेलो, हाय, क्या कर रही है तू यहाँ पे? ये हमारी तो रूम मालिक नहीं है, पागल है. पता है मैं जब मैं इसके घर पे जाता हूँ ना, पानी की नहीं पीना. ओह नो, झूठ बोल रहा हूँ. अरे नहीं, दो बार बोलना पड़ता है. अच्छा, नहीं. और कंप्लेन करती है कि मुझे क्यों, मतलब मेरे घर पे क्यों नहीं आ रहा. क्या आऊँ इसके घर पे तेरे को? क्या कैसे आऊँ मैं तेरे घर पे बता. तो पानी पानी का भी पैसा मांगती है. क्या बोला तूने? अच्छा, झूठे. नहीं, झूठ बोल रहा है. और मैंने बोला कि रेंट थोड़ा कम कर दे, तो बता दिए. मजाक है करने वाली. क्यों मम्मी ने आपसे बात करी थी? एक महीना होगा ना, एक महीना बेटा लाओ 20,000 है. नहीं नहीं, रियल में किया. अच्छा अच्छा, ठीक है. क्या करी आप? मैंने देखा कि अनुष्का दीदी ने खुशी दीदी को थप्पड़ मारा. तूने देखा है? पूरी दुनिया ने तो देखा ही नहीं. हाँ, मतलब YouTube वीडियो पर सबने ही देखा. तो क्या हुआ? ये वैसे तो मैंने भी मारा था. तो ये तो गलत बात है ना. नहीं, पर तेरे को भी मारा मैंने. तो ऐसे प्यार से मारा ना, उन्होंने तो गुस्से में मारा. अरे पर मैं भी गुस्से में मारो फिर. नहीं, तो उन्होंने गुस्से में मारा ना, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी. अच्छा, फिर क्या? तो आपको समझाना नहीं चाहिए. किसको? अनुष्का दीदी को. समझाया. फिर क्या बोला उन्होंने? वो तो बोल रही है कि मर्डर करूँगा. ओह नो, मर्डर करूँगी. क्यों ऐसे? मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, किसी को जाके ऐसे थप्पड़ मार दे. अच्छा, मतलब अनुष्का ने खुशी को थप्पड़ मारा, वो तेरे को दिखता है? हाँ, तो उन्होंने आपको भी मारा. हाँ, तो वो नहीं दिख रहा तुझे? तो मतलब तू मिली हुई तो नहीं ना खुशी के साथ? मिली हुई तो नहीं ना? मुझे तो सर डाउट लग रहा है तू. नहीं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ. मैंने तो बात ही नहीं करी आज तक उनसे. हैं, ये तू बात बता, तेरे को उसकी थप्पड़ याद आ रही है? हमारी थप्पड़ याद नहीं आ रही है तुझे? अरे तो फिर भी आप उनकी कंप्लेंट कर सकते थे. फिर से आप कंप्लेंट
थप्पड़ की भी कंप्लेन होती है, वायलेंस हमारा गर्दन भी कट हो जाए ना, हम कंप्लेन नहीं करते, समझ गए? हम खुद से लड़ना सीखते हैं ना कि तो फिर आप अनुष्का दीदी को समझाओ ना, क्या ऐसे नहीं अनुष्का को समझाओ ना, समझ जाएगी आपके समझाने पे तो समझ ही जाएगी। अभी एक बात बता, मारी मैंने थप्पड़, उसने मारी, ठीक है, उसे क्या हो जाएगा? क्या अभी क्या कर सकते हैं उसका, थप्पड़ मारी उसका, फिर भी ये तो गलत बात है ना, ऐसे किसी को थप्पड़ मार दो, खुशी दीदी की भी गलत बात है। मुझे पता चल गया तुम मिली हुई है, क्या बोला तूने? खुशी से मिली हुई, मुझे पता चल गया, नहीं पक्का हुआ तू उसकी फेवर लेके तू बात कर रही है ना, कर ही रही है तू बात, अभी देख मैं मजाक नहीं, ऐसे किसी को भी मारोगे तो मैं किसी की भी ऐसी फेवर नहीं है। अच्छा किसी को भी मारोगे, उसने मारा वो कुछ नहीं, अभी एक बात बता, मैं तेरे को थप्पड़ मारा उन्होंने भी तो गलत किया ना, उन्होंने भी तो गलत किया, तू तो उनके तो नहीं बोल रही कि उन्होंने गलत किया, कंप्लेन कर सकते थे, हर बात का कंप्लेन नहीं होती, बैग में मारने की जरूरत नहीं थी। किसने मारा? अनुष्का दीदी ने मारा ना उन्हें, आपके बदले के लिए। हाँ तो मेरे को आके क्यों बोल रही है? आप भी समझा सकते हो, मेरी कंप्लेन लेके आई है कि इसको क्यों मारा, देख ये मेरे को तो लग रहा है कि खुशी से मिली हुई है, तेरे को नहीं लग रहा मिली हुई है? नहीं मिली हुई है ना, झूठ मत बोल, तो उसका फेवर क्यों ले रही थी? तो मैं किसी का भी फेवर ले सकती हूँ, आप किसी को भी मारोगे तो मैं तेरे को मारूं, तो आप तो प्यार से मार रहे हो ना। बता मुझे पहले क्या क्या बताऊं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरे को मैंने थप्पड़ खाई तब तो आगे तूने बोला नहीं कि हो अर्जुन भैया तेरे को मारा, अच्छा तो खुशी को भी जाके बोल दे कि तू भी कंप्लेन कर ले, ठीक है? ओह नो, बोल देगी? नहीं मतलब 200% मिली हुई है, तो मैं उन्हें क्यों बोलूँगी आपके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, मैं तो आपको, तो मेरे को क्यों बोल रहे हो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, तो आप तो कर सकते हो ना, वो आपके खिलाफ करेगी तो छोटे छोटे लड़कों का दिमाग होता है कि नहीं पता नहीं, लड़की हेलो, ठीक है बता क्या तो लास्ट स्वेटर में अच्छी लगी थी, हाँ जो भी है स्वेटर में अच्छी लगी होगी, एम्बुलेंस लग रही है, अरे कहना क्या चाहते हो? एम्बुलेंस व्हाइट और रेड, नहीं वो रेड कलर की बिंदी है ना वो लग रही है मुझे। अब बात चेंज हो करो, ओह नो, वो आप अनुष्का दीदी को समझाओ, वो छोड़, क्यों छोड़ू, वो छोड़, नहीं छोड़ो, अभी तू भी कंप्लेन कर ले, मैं तेरे को मार रहा, तू भी कंप्लेन कर ले, जा पक्का कर दूंगी, कर ले, एक मिनट 100 नंबर पे कॉल कर, 100 नंबर पे, 100 नंबर पे कॉल कर रही है, कर रही हूँ सच्ची में, कर रही हूँ, 100 नंबर पे कॉल कर रही हूँ सच्ची में, कर रही हूँ, क्या बोलेगी? यहाँ पे एक बच्चा मेरे को परेशान कर रहा है, बच्चा क्या बोला तूने? बच्चा मैं और बच्चा, अच्छा यहाँ पे भैया मुझे परेशान कर रहे हैं, जाओ कर दो, कर दो, कोई डर नहीं, लेकिन एक चीज तो पता चल, कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, पर एक चीज तो पता चल गई, तू और खुशी मिली हुई है, ओह नो, प्रैंक कर रही थी आपसे, वो प्रैंक कर रही थी, मतलब पुलिस को कॉल करने के लिए प्रैंक कर रही थी, नहीं मैं तेरी टोन से लग रहा है, नहीं मेरी टोन ऐसी, मैं आपको प्यार से समझा रही हूं, ओह नो, पता नहीं चुपके से बात कर, मैं आपको प्यार से समझा रही हूं, प्यार से नहीं मतलब उसने प्यार समझा रही है, उसने थप्पड़ मारी,
तब मुझे आके बोली, जिस दिन मैंने खाई उस दिन तो तुम बोला ही नहीं। उस दिन मैंने बोला नहीं, उसे पता चलता है ना। उस दिन मैंने बोला नहीं था आपको? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने मैसेज नहीं किया था। कौन सा मैसेज? आप देखते ही नहीं हो तो फिर। ओह नो, मैसेज क्या क्या तूने तो ये मैसेज किया था, वाओ बेटे अच्छे से खाई से खाई। अबे ऐसे ही मैसेज देखो नहीं, मुझे पता चल गया तू मिली हुई है। और मैं अभी तो घर पे नहीं, अभी तो मैसेज भी तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ अभी। मेरी जो वाइफ है खुशी, उसके साथ जो भी मिलता है ना, मैं उससे दूर चला जाता हूँ। मैं तो मिली हुई हूँ। मिली हुई है तू? प्रूफ? अरे प्रूफ मुझे पता चल रहा है, टोन से पता चलता है। कैसे मतलब? क्या फोटो देखूं कि हाँ तुम दो क्या बात, ऐसे थोड़ी पता चलेगा टोन से। तू उसका फेवर ले रही तो मैं तो ये समझूंगा ना। तो मैं आपका भी तो फेवर ले रही हूं। कहां ले रही मैं आपको? ये तो ऑलरेडी कंप्लेन कर दूंगी। एक और कंप्लेन करने के लिए बोल रही है, मतलब और फंसो मैं। वाह वाह वाह, क्या दिमाग है, क्या तेरा दिमाग है बेटा। फंसने की क्या बात है? तो फिर उन्होंने आपको मारा, उन्होंने गलत किया। मैंने कहा ओह यार ये कितनी ऑसम है यार। अच्छा चल बेटा जाओ, हम कल मिलते हैं, ठीक है? पहले आप उनको बात सुन लो। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा। क्या समझा लूँ? कि ऐसे नहीं मानना चाहिए किसी को भी। ठीक है, मैं बोल दूंगा कि बेटा ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर फिर उनको समझाओ ना, अगर वो मना करे तो फिर समझाओ। वो तो नहीं, वो तो बोलेगी मैं तो मारूंगी, मर्डर करूंगी। ओह नो, तो वही तो कह रही हूं, आप समझाओ। ये पता नहीं इसका फेवर क्यों ले रही है उसका। मेरे को 100% डाउट लग रहा है। कुछ खिला दिया कुछ नहीं है। बहन बनाई रहेगी तुझे? नहीं मुझे पता है, मैं नहीं बनाती ऐसी बहन। तो उसका फेवर क्यों ले रही है? जो मेरे भाई के साथ गलत करे मैं उसको बहन बना दूं। ओ भाई वाओ, अभी भाई याद आया तुझे? वाह, तू तो था मेरे भाई हो। फेवर तो कब से उधर लेने जा रही है? ओह नो, राज भाई वाओ यार। तो हां तो हो ही नहीं, हो ही वो ठीक है, लेकिन मान नहीं रही है ना तू। क्या नहीं मान रही भाई? भाई मान तो रही हूं। भाई मान तो रही हूं। ये चल अभी यहाँ से चलते, दिमाग खाती रहेगी। बाय। फिर आप गलत फहमी मत पालो। मैं गलत फहमी पाल लूंगा, लेकिन तेरे को नहीं। मैं आपको बोल भी नहीं रही, बस आप ये गलत फहमी मत करो कि मैं उनके साथ हूँ। तू नहीं के साथ है, उसी का साथ है। अभी आज से ये गौरी मेरी वाइफ की बहन है। ओह नो, पक्का पता चल गया। नहीं बाय। पहले आप क्या बताओ, गलत फहमी मत पालो। क्या चीज की? कि मैं उनके फेवर में हूँ। वो तो मुझे लग ही रहा है। नहीं से मिली हुई है तू? नहीं ऐसी बात नहीं है। चल ठीक है, चल बैठ। पक्का मानोगे तो नहीं ऐसा? मैं नहीं मान रहा तू। ठीक है, मैं नहीं मान रहा तू मिली हुई है। नहीं, हाँ नहीं मान रहे ना कि मैं मिली हुई। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अर्जुन भैया का क्या रिएक्शन था, वो तो मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत किया। मतलब हाँ, खुशी दीदी ने भी गलत किया और फिर अनुष्का दीदी ने भी गलत किया उनके साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो देखते हैं, मैं फिर से उनको कॉल पे समझाती हूँ या फिर उनके घर पे जाके उनको समझाऊँगी। तो अभी तो वो समझे नहीं। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।